आगे हम बात करेंगे राजा हाल के बारे में। राजा हाल कौन थे? राजा हाल 17वें नंबर के राजा थे। इन्होंने 24 ईसा पूर्व से 20 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो राजा हाल 17वें नंबर के राजा थे। इन्होंने 24 से लेकर 20 ईसा पूर्व तक शासन किया। राजा हाल के टाइम में इनके जो दो विद्वान थे, एक विद्वान का नाम था गुणाढ्य, दूसरे थे सर्ववर्मन। गुणाढ्य ने लिखा वृहत कथा कोश ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की। जो सर्ववर्मन थे इन्होंने पातंत्र एक क्या है? संस्कृत व्याकरण है। पातंत्र एक संस्कृत व्याकरण, संस्कृत नामक व्याकरण पातंत्र की रचना किसने की? एग्जाम में आया तो क्या लिखोगे? सर्ववर्मन। और गुणाढ्य ने किसकी रचना की? वृत्त कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। जो हाल के 17वें नंबर के राजा थे, 24 से 20 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। और इन्होंने एक खुद इन्होंने लिखी थी गाथा सप्तशती। और ये काव्य विद्वान, बड़े विद्वान राजा थे, काव्य टाइप के विद्वान राजा थे, लिखने का इनको शौक था। तो इन्होंने गाथा सप्तशती लिखी, सत्सई में 700 श्लोकों का वर्णन है। 700 श्लोकों का वर्णन किसने है? सप्तशती में। और गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा की पुस्तक है। इसमें इनका प्रेम गाथाओं का वर्णन है। गाथा सप्तशती में क्या है? प्रेम गाथाओं का वर्णन। प्रेम गाथाओं का वर्णन किसमें है? राजा हाल की प्रेम गाथाओं का वर्णन है गाथा सप्तशती में। और सप्तशती में 700 श्लोक लिखे हैं, प्राकृत भाषा में है। गुणाढ्य कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। सर्ववर्मन ने पातंत्र संस्कृत व्याकरण की रचना की। और इनको जो हाल को उपाधि दी गई है, उपाधियां जिनको विद्वानों को आश्रय देता, वे खुद विद्वान थे तो ये विद्वान रखते थे अपने दरबार में, तो उनको आश्रय देते थे, इसलिए विद्वानों का आश्रयदाता भी इन्हें कहा जाता है। इनके एक सेनापति थे विजयानंद। तो विजयानंद जब ये दक्षिण भारत पर विजय के लिए गए हुए थे, इनके सेनापति हाल और राजा और इनके जो सेनापति विजयानंद थे, विजयानंद ने एक बार श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। इनके सेनापति थे, इसके हाल के सेनापति कौन था? विजयानंद। विजयानंद ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। जब ये श्रीलंका अभियान पर थे, वो दक्षिण में तो शासन करते थे, तो अपना क्षेत्र विस्तार करते करते श्रीलंका पहुंचे, तो वहां शासन किया। तो वहां के एक राजा थे, उनकी एक पुत्री थी लीलावती, अति अति रूपवान थी। तो इसलिए विजयानंद ने अपने राजा हाल को उनकी श्रीलंका के राजा की पुत्री के बारे में जिक्र किया। तो राजा हाल ने लीलावती से शादी कर ली। इनकी जो पत्नी कौन हुई फिर? लीलावती। तो ये थे हाल राजा, 17वें नंबर के राजा। आगे हम बात करेंगे गौतमी पुत्र सत्कर्णी की। ये 23वें नंबर के राजा हुए हैं। 23वें नंबर के राजा हुए हैं कौन? गौतमी पुत्र सत्कर्णी। गौतमी जिनकी माता का नाम था, माता का नाम पूरा नाम बालश्री गौतमी था, तो अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम लगा देते, क्या नाम? गौतमी नाम, ठीक है। तो ये इनकी माता का नाम हो गया। 23वें नंबर के राजा थे। अब हम बात करेंगे इनकी उपाधियां। इनकी प्रमुख जो उपाधि थी, उपाधि, ठीक है, किस नाम से इनको पुकारा जाता था, तो इनको एक वेश कटक या वेण कटक नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि वेण कटक नगर नाम की इन्होंने स्थापना करवाई। कहा? नासिक के एक जिले में वेण कटक नाम का नगर बसाया, इसलिए इनको वेश कटक या वेण कटक नाम से भी पुकारा जाता था। तो ये तो थी एक प्रथम उपाधि। दूसरी, इनको इसने अपने आप को अद्वितीय, एकमात्र ब्राह्मण या एक बहमन इस नाम से पुकारा। एकमात्र ब्राह्मण है, द्वितीय ब्राह्मण बहमन, एक बहमन नाम से इनको पुकारा गया। ये वेदों के आश्रयदाता कहलाए। कौन? गौतमी पुत्र सत्कर्णी कौन कहलाए? वेदों के आश्रयदाता, चतुर्वर्ण का संरक्षक कहलाए। इन्होंने क्या किया? ये बोलते थे कि मैं चतुर्वर्ण का संरक्षक हूँ, मैं जो पहले से ही वैदिक काल से जो चार वर्णों की व्यवस्था चलती आई है उसको चलाऊंगा। तो रणे चतुर्वर्ण का संरक्षक भी कहा गया। इसको त्रि समुद्राधिपति कहा गया, क्योंकि इसके जो घोड़े थे तीन समुद्रों का पानी पीते थे, जो भारत का तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो तीनों तीन समुद्रों का, यानी कि यहाँ भी इनका शासन था, यहाँ भी तो दक्षिण
त्रिसमुद्राधिपति इस नाम से इनको पुकारा गया। दक्षिण और कर्नाटक, दक्षिण से लेकर कर्नाटक में इनको इनका शासन था, दक्षिण पूरे दक्षिण भारत में इनका शासन था। तो ये इनकी प्रमुख उपाधियां। आगे हम बात करेंगे इनके जो ग्रंथ थे, इन्होंने भिक्षुओं को जो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने भिक्षुओं को बिना कर के दान दिया, भूदान, भूदान बिना कर, यानी कि भूमि का दान विदाउट कर, बिना टैक्स, विदाउट टैक्स, बिना टैक्स के, कोई भी टैक्स नहीं है, भूदान दिया इनको, बोध को, बोध जो बोध भिक्षु होते थे इनको इन्होंने भूदान दिया बिना टैक्स के। इन्होंने दो गांव दान दिए थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो दो बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने क्या दिया, भूदान दिया बिना टैक्स के। और इन्होंने बौद्ध संघ थे, कार्ले का बौद्ध संघ, एक नासिक बाहु बौद्ध संघ, यानी कि बौद्धों को जो संघ थे, जो समिति थी, उनको इसने एक गांव करजक नाम का गांव दान में दिया, या तो नहीं आज का काल के गांव नाम दान में दिया। दो गांव दिए इन्होंने, एक नासिक बाहु बौद्ध संघ को कौन सा गांव दिया, आज काल के गांव दिया, और जो कार्ले गांव था, कार्ले जो बौद्ध संघ था, इसको कौन सा गांव दिया, अर्जक करजक नाम का गांव को दान में दिया। तो इनके जो अगले राजा हुए वो थे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, कौन थे, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी छठे बस क्लास लगे, इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। वशिष्ठी आगे हम बात करेंगे वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी मतलब है वशिष्ठी इनकी माँ का नाम है, पुलवामी इनका खुद का नाम है। तो जो पुलवामी राजा हुए हैं इनको पुराणों में क्या कहा जाता था इनको, उलेमा सत्कर्णी। तो पुराणों में वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को क्या कहा गया, एग्जाम में आए तो पुराणों में उलेमा सत्कर्णी कहा गया। तालवी ने इनको क्या कहा, शिरोपोली में ओष। एक तालवी क्या थे, एक इतिहासकार थे, इन्होंने अपने पुस्तक में वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को शिरोपोली में ओष कहा गया। और जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी थे इन्होंने काफी सारी मुद्राएं चलवाई थी। इन्होंने नासिक मुद्रा चलवाई, कार्ले की मुद्रा, जो कार्ले जन ऐसे मुद्रा हमने मिली, नासिक से मुद्रा मिली, अमरावती से मुद्रा मिली, उनके जो सिक्के थे उस सिक्कों पर दो पतवार, यानी दो पतवार जहाज के, दो पतवार वाला जो जहाज होता है उसके, उस पे चित्र अंकित थे, यानी कि ये क्या थे, समुद्र को उनको पता था, समुद्र का ज्ञान था, समुद्र प्रेमी थे। इनकी जो गौतमी पुत्र वशिष्ठी पुत्र, सॉरी वशिष्ठी पुत्र की जो उपाधि थी वो थी महाराज की उपाधि धारण की, दक्षिणा पथेश्वर आंध्र सम्राट। आंध्र मैंने पहले ही बताया मत्स्य पुराण में सातवाहन के राजाओं क्या कहा गया है, आंध्र कहा गया। तो इन्होंने आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की, किसने, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने। जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी थे इनको जो सख शासक हुए हैं रुद्रामन, इन्होंने दो बार हराया भी है। तो इसका भी हमें अभिलेखों में जानकारी मिलती है कि रुद्रामन प्रथम थे जो इन्होंने वशिष्ठी पुत्र को दो बार हराया, किसने, रुद्रामन। प्रथम ने वशिष्ठी पुत्र को दो बार हराया, लेकिन ये एक नीति अपनाते थे कि जो वशिष्ठी पुत्र और रुद्रामन प्रथम थे उनके वैवाहिक संबंध थे, यानी कि इनकी पुत्री या बहन के साथ विवाह हुआ था, जिसके कारण इन्होंने इनको हराया लेकिन नष्ट नहीं किया, तो इसके कारण ये बचे रहे और आगे तक चले। तो जो लास्ट हम बात करेंगे, अंतिम जो जिस राजा के बारे में बात करेंगे वो थे यज्ञश्री सत्कर्णी, यज्ञश्री सत्कर्णी, ठीक है, यज्ञश्री सत्कर्णी जो थे लास्ट अंतिम राजा सातवाहन के, जो मुख्य राजा, लास्ट मतलब ये नहीं कि ये अंतिम थे, लेकिन ये जो मुख्य थे, इन्होंने कुछ काम किए। इनके सिक्कों पर क्या मिलता है, इनके सिक्कों पर जाहद के चित्र अंकित मिलते हैं, पतवार वाले,
पतवार वाले जहाज के अंकित, ठीक है, पतवार वाले जहाज के चित्र अंकित किसके सिक्कों पर मिलते हैं, यक्ष श्री सत्कर्णी के सिक्कों पर मिलते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये क्या था, ये था समुद्र प्रेमी, ठीक है, समुद्र प्रेमी थे क्योंकि दक्षिण पर राज करते थे, तीनों तरफ समुद्र था, तो इनको व्यापार की भी जानकारी थी, ठीक है। तो व्यापार की जानकारी किसे थी, यक्ष श्री को, या वो व्यापार प्रेमी था, समुद्र प्रेमी था, सिक्कों पर दो पतवार वाले जहाज थे, पतवार वाले जहाज के हमें चित्र अंकित मिले हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ मूल मुख्य जो पॉइंट थे सात वान वंश के, उनको एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। जो अगर एग्जाम में आए कि शीशे के सिक्के चलाने वाला कौन, शीशे के सिक्के चलाने वाला वंश कौन था, चलाने वाला वंश, तो शीशे के सिक्के चलाने वाला वंश कौन था, सातवाहन वंश, ठीक है। दूसरे ये पितृ सत्तात्मक सत्तात्मक इनका जो राजा था, राज्य था, क्योंकि पिता का पुत्र ही राजा बनता था, लेकिन मातृ की प्रतिष्ठा का भी उन्होंने ध्यान किया, माता की प्रतिष्ठा का, ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि वशिष्ठ के पुत्र पुलवामी, गोतमी पुत्र सत्कर्णी, इससे हमें क्या पता चलता है कि उन्होंने मातृ की प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखा। जो लास्ट अगला पॉइंट है, उस बारे में हम बात करेंगे, इनके हमें 22 पक्की ईंटों के कुएं मिले हैं, ठीक है, दक्षिण भारत में 22 ईंटों के कुएं मिले हैं, मंदिरों का निर्माण करवाया, इमारतों का निर्माण करवाया, जो घरों की छत होती थी, घरों की छत पक्की होती थी, पक्की पत्थरों से बनी होती थी, ठीक है। उन्होंने कुछ मुख्य काम किए, ये अपनी सेना में घोड़े रखते थे, हाथी रखते थे, तो इस तरह से उन्होंने शासन चला। तो ये था सातवाहन के वंश थे, हमें बारे में पता चला कैसे सातवाहन वंश ने शासन किया, कौन थे, कहां से आए थे और क्यों सातवाहन वंश कहा गया, कौन कौन से मुख्य राजा थे, वो आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।